महाराष्ट्र में गाड़ी में कैश पकड़ने के बाद अब एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र रावत ये मांग कर रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर से मंत्री जा रहे हैं उनके हेलीकॉप्टर की जांच होनी चाहिए, वहां पे क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में ऐसी एक किस्सा हुआ था, लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर की बैग पे संजय राउत ने संशय व्यक्त किया था। अब इसके बारे में उसके बाद उस हेलीकॉप्टर की भी जांच हुई थी। हमारे साथ इस वक्त बड़े नेता है जितेंद्र रावत जी। और सर हेलीकॉप्टर के बारे में मेरी ये पक्की मालूमात है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि करोड़ों रुपया हेलीकॉप्टर से ले जाते हैं और खास करके सत्ताधारी मंत्री जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। इसके बारे में आपके पास कुछ एविडेंस है, कोई फोटोग्राफ्स है, कोई वीडियो है, ताकि आप चुनाव आयोग को इसकी चुनाव आयोग को भी सब मालूम है। चुनाव आयोग करेगा क्या, इतने घोटाले हुए चुनाव यदि कुछ किया गया। चुनाव आयोग वो सेशन का जमाना चला गया। तो इस हेलीकॉप्टर पर रोक कैसी लगाई जाएगी? वो चुनाव आयोग ने सोचना चाहिए रोक कैसी लगाई जाएगी। सर हम क्या सोचेंगे? विपक्ष पार्टी के कार्यकर्ता नजर रखेंगे इस बार? अरे इसलिए तो मालूम है हमको, विपक्ष नहीं तो पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने तो बताया कि बैंक में पैसे देते हैं। पुलिस के बारे में क्या करेंगे यार, उनको धक्का मारना ऐसा है। एक बेचारा हवलदार नजदीक जाएगा तो पुलिस का वो जो मुख्यमंत्री का जो बॉडीगार्ड रहेगा वो एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर चेक हुआ था। संजय राउत ने आरोप किया था कि मैं बड़े बड़े लोगों पे नजर रखता हूँ। ये हेलीकॉप्टर की जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.